दुर्भाग्य से आज SBI जैसे बड़े बैंक पे भी आज हम भाजपा की ओर से बनाए हुए प्रेशर देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ आज के समय में आरोप लगाना रह गया है कि जो एक क्लिक पे देने वाला डाटा है उसके लिए 30 जून तक का जो समय मांगा गया है SBI की तरफ से, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये भाजपा को बचाने की एक साजिश है और अपनी खिसियाट जो है वो आरोप के माध्यम से भाजपा पे जाहिर करते हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में 90% चंदा भारतीय जनता पार्टी को गया है और 10% जो चंदा है वो कांग्रेस और अन्य पार्टी को दिया गया है। पहले तो उन्हें समझना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, क्यों लाए गए थे सिस्टम में, और क्या केवल भाजपा ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका बेनिफिट भाजपा को हुआ है, कांग्रेस को नहीं हुआ है। देखिए, भाजपा के शासनकाल में लगातार अभी तक हमने देखा CBI और ED का और अन्य सरकारी संस्थानों को जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से आज SBI जैसे बड़े बैंक पे भी आज हम भाजपा की ओर से बनाए हुए प्रेशर देख रहे हैं। SBI के पास जहां सारा डाटा एक क्लिक पे वो पब्लिकली सामने रख सकता है, सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है, तो ये बात तो समझ से बाहर है कि जो एक क्लिक पे देने वाला डाटा है उसके लिए 30 जून तक का जो समय मांगा गया है SBI की तरफ से, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये भाजपा को बचाने की एक साजिश है और जिन पार्टीज ने और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में 90% चंदा भारतीय जनता पार्टी को गया है और 10% जो चंदा है वो कांग्रेस और अन्य पार्टी को दिया गया है, उसको देख करके लगता है कि SBI कहीं ना कहीं दानदाताओं का नाम छुपाना चाह रही है। हमारी मांग है कि उन दानदाताओं का नाम SBI तुरंत समय रहते हुए दे। अगर इसमें CBI समय लेती है तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को जो चंदा दिया गया है उसको छुपाने का काम SBI बैंक करना चाहता है और ये देश ये भी जानना चाहता है कि जिन लोगों ने चंदा दिया है उसकी एवज में भारतीय जनता पार्टी ने उनको किस तरीके से उनको ऑब्लाइज करने का काम किया। देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ आज के समय में आरोप लगाना रह गया है और अपनी खिसियाट जो है वो आरोप के माध्यम से भाजपा पे जाहिर करते हैं। पहले तो उन्हें समझना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, क्यों लाए गए थे सिस्टम में, और क्या केवल भाजपा ही इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका बेनिफिट भाजपा को हुआ है, कांग्रेस को नहीं हुआ है, या कांग्रेस ने इन बॉन्ड के माध्यम से अपने पार्टी में चंदा नहीं लिया। ये बॉन्ड जनवरी 2018 में भारत सरकार ने लागू करे थे, सिस्टम में आए थे और उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को कैश के माध्यम से प्राप्त होता था वो कैश को हटा के उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट करना था। और अगर आप फैक्ट उठा के देखें और डेटा उठा के देखें, आज तक सन 2018 से 2023 जो अभी ख़त्म हुआ है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो चुका है इन बॉन्ड के माध्यम से, और इसमें से लगभग 1500 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस के खाते में गया है, 8,000 करोड़ का जो चंदा है वो भाजपा के पास आया है। तो क्या कांग्रेस को अगर भाजपा के 8,000 करोड़ के चंदे से समस्या है, या उसे समस्या यह है कि उसे मात्र भारत देश से 1500 करोड़ रुपए का चंदा मिला और ये इनकी केवल खिसियाट है? और अभी जैसे इनका इनकम टैक्स ने इनका अपील ठुकरा दी जिसमें इनके 105 करोड़ पहले गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिए थे और दोबारा अपील करने पर दोबारा उसको फ्रीज कर दिया, ये इनकी सिर्फ खिसियाट है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ बिना बात का आरोप है और वो अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंडर चल रहा है तो उस पर किसी को भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं।